नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें जब आप अपने एक्स को किसी और के साथ देखते हो, क्या करें जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, या फिर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखते हो और उस केस में आपको बहुत जेलस फील होता है, बहुत बुरा लगता है, एंड यू फील लाइक यार ऐसा कैसे हो सकता है, कल को वो इंसान मेरे साथ था और आज वो किसी और के साथ निकल गया, मतलब हाउ, हो कैसे सकता है ऐसा। उसने शायद मेरे साथ वादे किए थे, कस्में खाई थी कि तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और आज वो किसी और के साथ है, और आज हमें ये फील हो रहा है कि यार हमें बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि यार वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर वो किसी और का तो हो ही नहीं सकता, या फिर वो किसी और की नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकती है। अब चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, रीज़न आपका ब्रेकअप का आपकी ओर से हो, उसकी ओर से हो, आप दोनों की ओर से हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपको ये फील होने लगे कि सामने वाला इंसान आपकी प्रॉपर्टी है और उसकी वजह से आप जेलस फील कर रहे हो, उसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं कहीं सपना नहीं देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि यार ऐसा भी होता है, फिर आपको वहाँ पर धक्का लग रहा है, फिर बहुत बुरा लग रहा है, और आप अंदर ही अंदर, मतलब आप खुद को खाए पड़े हो, या फिर अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खा रही है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आपको बहुत बुरा लग रहा है, फिर ऐसे केस में क्या करें। मेरे दोस्त, होता क्या है कि जब भी आप एक रिलेशनशिप में होते हो, होता है अटैचमेंट बढ़ती जाती है, अटैचमेंट बढ़ने जाने के साथ साथ एक कनेक्शन बनता है दोनों में, और फिर जब जुदा होते हो फिर आपको लगता है धीरे धीरे टाइम के साथ कि वो सामने वाला इंसान ना मेरी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त, मतलब हम इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारी प्रॉपर्टी है, हमें छोड़ के वो किसी और के पास नहीं जा सकता, या फिर हम भी छोड़ते हैं तब भी वो हमारे चक्कर में ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोस्त लाइफ है। लाइफ में क्या होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, गर्लफ्रेंड चाहे लड़की हो, चाहे लड़के हो, चाहे कोई भी हो, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, गर्लफ्रेंड्स आएंगी, गर्लफ्रेंड्स जाएंगी, बॉयफ्रेंड्स आएंगे, बॉयफ्रेंड्स जाएंगे, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई जा सकता है, अगर कोई जा रहा है तो जाने दो ना यार, लाइक अगर कोई जाना चाहता है आपकी लाइफ से, जस्ट पास अ स्माइल और जाओ, खुशी खुशी जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ, इट्स नॉट लाइक कि मैं तुम्हें पकड़ के रोकने वाला हूँ कि नहीं यू आर माई प्रॉपर्टी, या फिर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम रुको, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तो वो जोर जबरदस्ती है, वो प्यार नहीं है, आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना वो एक जिद है, वो प्यार नहीं है, जिद में और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है, आपकी जिद है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, बल्कि ट्रुथ कुछ और है, ट्रुथ ये है कि सामने वाला इंसान लाइक कल को कोई किसी और का था और आज को कोई किसी और का है, फिर कल को कोई किसी और का हो सकता है, ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट को हम जितनी जल्दी और जितने वे में अपने माइंड सेट में घुसा लें, अपने माइंड में घुसा लें, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया होने वाला है, लेकिन हम इसको नहीं घुसाना चाहते, हमें लगता है कि सामने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, कर सकता है, सामने वाला इंसान इंसान है, इंसान आप भी हो, दैट्स इट, अगर कोई जाना चाहता है जाने दो, उसको फोर्सफुली पकड़ के खींचो मत, जिद मत करो कि नहीं वो मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, तो फिर वहां पर दर्द होगा, आपको दर्द होगा, सामने वाला इंसान तो खुश है किसी और के साथ, दर्द आपको होगा, पीड़ा आपको होगी, फिर कष्ट आपको होगा, अंदर ही अंदर ये चीज़ आपको खाएगी, अंदर ही अंदर आप दुखी होते जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है। तो लाइफ है मेरे दोस्त, लाइफ में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा इस कोट को, एक फनी वे में लीजिएगा, कि एक बार हुआ क्या, एक बच्चे के पास एक खिलौना था, ठीक है, और क्या हुआ, वो खिलौना उससे दूर हो गया, किसी और के पास चला गया खिलौना, अब बच्चा रो रहा है, क्या मेरा खिलौना चला गया, मेरा खिलौना चला गया। अब एक दूसरा बच्चा था, उसका माइंडसेट ये है कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास वो खिलौना था, वो चला गया किसी और के पास, या फिर मैंने किसी गरीब को दे दिया, मैंने खेला, कोई सामने वाला इंसान खिलौना नहीं होता है, बट मैंने खेला और मैंने किसी गरीब को दे दिया, ले तू भी खेल ले, ले तू भी खेल ले, या फिर तू भी दिल भर ले, मैंने भर लिया दिल। बात फनी सी है बट सीरियस है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, ऐसा होता है। सो अगर कोई जा रहा है जाने दो, डोंट फील लाइक कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, डोंट फील लाइक कि उसके बिना आप जी नहीं सकते हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं है, नीदर ही इज ऑक्सीजन वाटर, कुछ भी नहीं है कि आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो जाना चाहता है, लेट हिम और हर गो, जाने दो मेरे दोस्त, इसमें ही भलाई है।
वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है, आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि सामने वाला इंसान तो किसी और के साथ खुश है और इसको देख के जलन हो रही है हमें, बट उस जलन से उभरने के लिए हमें अगर उस पर फोकस करेंगे तो नहीं होने वाला है, हमें इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। जाने दो दोस्त, जाने दो, गो विद द फ्लो, लेट हर और हिम गो, जाने दोगे तब दिल को तसल्ली मिलेगी कि जाने दो दोस्त, प्यार किया था जाने दो, दिल लगाया था जाने दो, सामने वाले इंसान ने दिमाग लगाया जाने दो, मैंने तो लगाया था ना दिल, दैट्स इट, इतना करो मेरे दोस्त और जाने दो, सच में जाने दो, मुस्कुराओ, हंसो और एक स्माइल के साथ जाने दो, लेट हिम और हर गो। बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट और कोच आनंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।